एक राइटर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक नैनी को हायर किया, पर ये नैनी हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक दरार बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेडली इल्यूजन्स ये 2021 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर मैरी को देख सकते हैं। मैरी एक बहुत ही फेमस राइटर थी और बहुत साल हो चुके हैं उसने कुछ भी राइट नहीं किया था। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। इसमें उसका हस्बैंड, एक बेटा और एक बेटी है। उसे लगता है कि जब वो राइट करती है तो वो अलग पर्सन बन जाती है जो फिर से नहीं बनना चाहती, तो इसी वजह से राइटिंग से डर रही थी। पर एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए। कुछ अलग बहाना बनाकर उन्होंने मीटिंग फीस की थी, पर मीटिंग में उसे कहते हैं तुम्हें हमारे लिए और एक बुक लिखनी है। उन्होंने उसे इसकी ऑफर दी, पर मैरी इस ऑफर को देखती भी नहीं। वो इन पर गुस्सा हो गई और वहां से चली जाती है। जाते जाते पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करने वाली लेडी उसे कह कर गई, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी वजह से तुम्हें मिली, तुम शायद तुम्हारे स्ट्रगल्स भूल रही हो। मैरी उस पर भी गुस्सा हो गई पर इस बात को इग्नोर कर देती है। रात में मैरी का हस्बैंड टॉम घर पर आया, उस ऑफर को देखता है। ये $2 मिलियन की थी। इतने सारे पैसे मैरी ने पूरी बुक्स लिख कर भी नहीं कमाए थे। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो मैरी से कहता है कि तुम्हें इसे सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। वो मैरी को कुछ डायरेक्टली बता नहीं पा रहा था, पर रात में उससे वो बात करता है। कहता है हमने जो पैसे सेव करके रखे थे उसमें से हाफ उसने वेस्ट कर दिए। ये पैसे उनके रिटायरमेंट के लिए थे। मैरी इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है, पर अब उसे बुक लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगले दिन मैरी अपने फ्रेंड इलिन के साथ स्पा में गई हुई थी, उसे सारी प्रॉब्लम बता रही थी। मैरी अपने बच्चों के लिए वरी करती है कि अगर वो बुक लिखेगी तो अलग पर्सन बन जाती है, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। इलिन ने कहा कि उनका ख्याल रखने के लिए तुम एक लड़की हायर कर सकती हो। मैरी को बात पहले सही नहीं लगती, पर फिर भी उसे वो ट्राई करती है। अलग अलग लड़कियों का उसने इंटरव्यू लिया, फिर लास्ट में ग्रेस आई। मैरी कॉफी बनाने के लिए गई, तभी ग्रेस कुछ पढ़ रही थी। मैरी को ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है कि अगर उसके बच्चे ग्रेस को बुक्स पढ़ता हुआ देखे तो वो भी बुक्स पढ़ सकते हैं। इन्होंने फिर बुक्स को लेकर डिस्कशन किया और मैरी को ग्रेस बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ी देर में यहाँ बच्चे भी आ गए। ग्रेस उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है। ग्रेस ने घर में मैरी की बुक देखी और ये देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि वो एक्चुअल राइटर के घर में है। ग्रेस का सारा बिहेवियर देखकर मैरी उसे हायर कर लेती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने की जिद कर रहे थे, पर ग्रेस ने अपने कपड़े लाए नहीं थे। मैरी ने फिर अपने यंग एज का स्विम सूट उसे दे दिया। मैरी की फ्रेंड इलेन भी यहाँ आई हुई थी। उसे कहती है तुम जरा इसे सावधान रहना, तुम्हारा हस्बैंड और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मैरी ग्रेस को बहुत ही सीधी साधी समझती है। वो कभी भी इमेजिन नहीं करती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। रात में ग्रेस बच्चों को संभाल रही थी, तभी टॉम और मैरी ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बच्चों को संभालते संभालते इन दोनों को इतना टाइम मिलता नहीं था। ये दोनों ग्रेस पर खुश थे। नेक्स्ट डे फिर मैरी ने अपना बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन मैरी के पैर पर चोट आ गई। ग्रेस उसे हेल्प कर रही थी तो उसके इनर वेयर को उसने नोटिस किया। मैरी कहती है चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो उसके साथ चेंजिंग रूम में थी। ग्रेस की बॉडी देखकर मैरी को लगता है कि जब वो यंग थी उसकी बॉडी भी इसी तरीके से थी। अब वो अपनी यंग बॉडी को मिस करती है। ग्रेस ने मैरी के हाथ लिए और अपने आप पर रखे। वो कहती है तुम फील कर पाओ इसीलिए मैंने ये किया। वो क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद मैरी की जो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी थी यही बात वो टॉम को बताती है। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करनी चाहिए। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले जितनी ब्यूटीफुल थी अब भी उतनी ही ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मुझे तुम में बहुत अच्छी लगती है। मैरी अपने बुक के कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज थी। उसे वो कैसे होने चाहिए ये समझ में आ नहीं रहा था। यही बात सोचते सोचते उसने घर में ग्रेस को नोटिस किया। उसी पर वो अपना कैरेक्टर बेस्ड कर देती है। एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए। उसके बुक्स के लिए वो आइडिया उसे दे रहे थे। तभी मैरी हमेशा ग्रेस के बारे में सोच रही थी। अगले दिन मैरी अपने फ्रेंड इलिन के साथ बात करती है। कहती है ग्रेस को मैं पहले बहुत ही अलग समझती थी, पर अचानक से वो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लग चुकी है। पहले उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। इलिन ने उसे कहा कि ये जो तुम्हें एनर्जी महसूस हो रही है ये तुम अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकती हो। मैरी और टॉम एक ग्रेस से बहुत ही खुश थे तो उसे फुल टाइम अब रख लेते हैं। एक रात ये दोनों एक पार्टी पर गए। इलिन का हस्बैंड मैरी से कहता है तुम्हारी फोर्थ बुक बहुत ही अच्छी थी, तुम्हें उस तरीके से फिर से राइट करना चाहिए।
मैरी कहती है, जब मैंने उस बुक को लिखा था तो मेरे लाइफ में मैं बहुत ही डार्क प्लेस पे थी और फिर से उस प्लेस पर नहीं जाना चाहती। एलिन का हस्बैंड कहता है, शायद वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाता है। अगले दिन मैरी अपने स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रही थी। वो ग्रेस को उसे मसाज करने के लिए कहती है, उसे बहुत अच्छा लगा तो स्विमिंग पूल में कूद गई। उसने ग्रेस को भी अपने पास आने के लिए कहा। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। बाहर आने के बाद दोनों ड्रंक हो जाते हैं। ग्रेस मैरी से कहती है कि कभी भी मैंने लाइफ में इसे फैमिली की तरह फील नहीं किया था, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैरी भी उसे सहारा देती है, कहती है तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाई। इसके बाद मैरी जब उठी तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी। उसे लगता है कि दोनों इंटीमेट हो गए। मैरी पहले जब भी राइट करती थी तो क्या रियल क्या नहीं इसके बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, तो उसे पता नहीं कि वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हुई भी या नहीं। नेक्स्ट डे ये सब मैरी के बच्चों का प्ले देखने के लिए गए। यहाँ पर मैरी ने ग्रेस से बात की, उसे कहती है कल जो भी हुआ ये फिर से नहीं होना चाहिए, हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ग्रेस कहती है कि कल कुछ भी नहीं हुआ। मैरी को लगता है कि ग्रेस उसकी बात समझ गई। मैरी अभी ग्रेस को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। एक दिन वो बात लेते हुए इमेजिन करती है कि ग्रेस उसके पास आई, उसे प्लीज कर रही है। मैरी का बुक का काम और भी ज्यादा बढ़ चुका था, उसे बच्चे डिस्टर्ब ना करे इसीलिए टॉम बच्चों और ग्रेस को लेकर लंच के लिए बाहर आ गया। ये बात एलिन नोटिस करती है। उसे लगता है कि शायद टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ अफेयर है। टॉम को आज लंच करते वक्त ग्रेस बहुत ही अलग लगती है। वो हमेशा शर्मीली होती है पर आज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो जानबूझकर टॉम को रिझाने की कोशिश कर रही थी और यह भी वर्क कर रहा था। वो उसे कहता है कि आज तुम बहुत ही अलग लग रही हो, एक ग्रोन वुमन की तरह। फाइनली मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेकर जाती है। यहाँ पर वो ड्रिंक वगैरह कर सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेस मैरी को किस करने लगी। मैरी ने उसे रोक लिया। वो कहती है ये सब करना बहुत गलत है, मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो अपने आप को पाती हूँ, तुम बहुत परफेक्ट हो पर हम ये सब नहीं कर सकते। जब वो घर जाने के लिए फिर से अपने बाइसिकल के पास आए तो किसी ने टायर को पंचर कर दिया था। रात में लेट घर पर पहुंचते तो एलिन और टॉम बात कर रहे थे। मैरी ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो। एलिन कहती है कि मुझे लगता है कि टॉम और ग्रेस के बीच में अफेयर चल रहा है, इसी के बारे में बात करने के लिए मैं आई हुई थी। मैरी ने पहले भी एलिन और टॉम को एक साथ देखा था तो इस वजह से वो एलिन पर ही शक करने लग जाती है। एलिन भी इस बात पर गुस्सा होगी। उसे कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। डिनर का प्रिपरेशन करते वक्त ग्रेस और मैरी एक साथ है तो इसमें ग्रेस मैरी को प्लीज करने लगती है। टॉम यहाँ पहुंचा पर वो कुछ भी देख नहीं पाता। मैरी को जरा नींद आ रही थी तो जल्दी सो जाती है। बीच रात में उसे अचानक से कुछ आवाज आ रहे थे। वो देखने के लिए गई तो ग्रेस और टॉम इंटीमेट हो रहे थे। ग्रेस से नोटिस करती है पर टॉम को कहती है उसने स्लीपिंग पिल्स ली हुई है, वो जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उठने पर मैरी को सब कुछ याद था। वो देखती है कि ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने ग्रेस को बाहर निकाल दिया। रात में वो टॉम से फाइट करती है, कहती है मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, मेरे करियर को भी छोड़ दिया और मुझे इसके बदले में क्या मिला, तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। अगले दिन मैरी ने ग्रेस को जिस एजेंसी से अपॉइंट किया था वहां पर कॉल लगाया। वहां से उसे पता चलता है कि उनके एजेंसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। मैरी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो गई। अब ग्रेस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए निकल पड़ती है। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसी बुक की इंक्वायरी उसने लाइब्रेरी में की। इस बुक को किसी और ने पढ़ने के लिए नहीं लिया था पर मैरी को अब ग्रेस का रियल नेम पता चल गया। अब वो कंफर्म हो चुकी थी कि ग्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो एलिन के पास गए पर डायरेक्टली एलिन का मर्डर हुआ हम देख सकते हैं। मैरी ने पुलिस को कॉल किया पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट मैरी ही बन जाती है क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर किया था उस नाइफ पर मैरी के फिंगरप्रिंट्स थे। सीसीटीवी कैमरे में मैरी की तरह ड्रेसअप की हुई एक लड़की वहां पर गई हुई थी। मैरी कहती कि इस कैमरे में कोई भी हो सकता है। उसे बचाने के लिए टॉम वहां पर लॉयर के साथ पहुंच गया। मैरी को अब लग रहा था कि ये सारी चीजें ग्रेस ने की क्योंकि कल रात ही एलिन ने उस पर शक किया था। मैरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस था, डायरेक्टली उसके घर पर पहुंच गई। घर पर वो ग्रेस के फॉस्टर मॉम से मिलती है। उसने उससे कहा कि वो जब छोटी थी तब उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत अब्यूज किया था, इसके लिए वो जेल में भी गए थे। मैरी यहाँ पर नोटिस करती है कि लेडी अलग अलग आवाज में बात कर रही थी, यानी कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था।
ये देखकर मैरी जल्दी से वहां से निकल जाती है। उसने घर पर टॉम को कॉल लगाया कि ग्रेस को घर में आने मत दो, वो बहुत ही डेंजरस है। पर ग्रेस ऑलरेडी घर में थी। टॉम जब शावर में था तो मैरी की तरह कपड़े पहनकर ग्रेस उसके पास आती है। इसका मतलब है एलिन का मर्डर उसने ही किया था। अब वो टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर टॉम उसे कहता कि मैं अब कोई भी गेम्स नहीं खेलना चाहता। उसका उसके साथ होना एक गलती थी। ग्रेस ने उसे सीड्यूस किया था। ये बात सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो टॉम पर चाकू से बहुत सारे वार कर देती है। वो उसे मार ही देती तब तक मैरी वहां पर पहुंच गई। ग्रेस जल्दी से कपड़े बदल कर मैरी के सामने आई। मैरी ने टॉम के बारे में पूछा तो कहती है कि टॉम शॉवर ले रहा है, तुम वहां पर मत जाओ। मैरी को सस्पिशियस लगा और वहां पर पहुंची तो टॉम ब्लीड कर रहा था। ग्रेस फिर से अपने हाथ में चाकू ले लेती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो भी अलग अलग दो आवाज में बात करती है। ग्रेस की भी दो पर्सनैलिटीज थी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेंजरस सी पर्सनैलिटी उसने डेवलप की थी। उसकी एक पर्सनैलिटी उसे बोल रही थी कि इन दोनों को मार डाले, पर एक्चुअल ग्रेस उसे रोक रही थी। ग्रेस अपने आप को फिर से उस स्वीट लड़की में कन्वर्ट करना चाहती थी, पर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे करने नहीं देती। उसने मैरी पर हमला कर दिया। ग्रेस की सेकंड पर्सनैलिटी बोली कि तुम मैरी से प्यार करने लग गए, इसलिए मुझे मारना चाहती थी। ये इविल पर्सनैलिटी पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती है। वो मैरी को मारने वाली थी, पर मैरी ने उसके सर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली एक साल बीत चुका है। मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है। वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश हम देख सकते हैं। मूवी के एंड सीन में वो ग्रेस से मिलने के लिए गई। मैरी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। उसे ठीक होने में हेल्प कर रही है। ग्रेस की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी थी ये बहुत अच्छी थी, और इसी को सेव करने के लिए मैरी उसे हेल्प कर रही है। ये दोनों अब बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ग्रेस बचपन में अब्यूज हुई थी, तो इसी वजह से हमेशा से फैमिली को पाना चाहती थी। वो जब मैरी की फैमिली से मिली तो यही खुद के लिए स्टील करना चाहती थी। फिर उसकी अलग पर्सनैलिटी उस पर हावी होने लग गई। उसी पर्सनैलिटी के वश में आकर उसने ये सारी चीजें की थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।